इलेक्शन फैक्ट चेक भाजपा के बागी ने कमल खिलानी की कही बात, बोले श्रवण चौधरी को जिताना है, क्या है वायरल वीडियो का सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार मधुसूदन भिंडा का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि भिंडा ने चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रवण चौधरी को जिताने और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की बात कही है। दरअसल मधुसूदन भिंडा ने सीकर की फतेहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले वे भाजपा में रह रहे हैं। इस बार पार्टी ने भिंडा का टिकट काट कर इस सीट से श्रवण चौधरी को उतारा है। चुनावी माहौल में उनका ये वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने से पहले जानते हैं ये वीडियो कहां कब वायरल किया गया, इसके अलावा क्या दावा किया गया है वायरल वीडियो में। क्या भाजपा के बागी मधुसूदन भिंडा का ये वीडियो मंगलवार को कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल हुआ था। इसके अलावा फेसबुक पर भी वायरल किया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। वायरल वीडियो में भिंडा एक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे बोल रहे हैं, आज समय आ गया है, हमें संकल्प लेना है कि कांग्रेस की सरकार के जो दिन बचे हैं और आने वाले समय में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भाई श्रवण जी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। सब संकल्प लें कि आने वाले चुनाव में कमल खिलाएंगे। वीडियो की पड़ताल, सबसे पहले वीडियो पड़ताल की स्क्रीनशॉट लेकर गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया गया। इसमें वायरल वीडियो से रिलेटेड कोई इमेज नहीं मिला। गूगल पर कीवर्ड से डालकर सर्च किया गया, वहां भी ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए मधुसूदन भिंडा का सोशल अकाउंट देखा गया। उनके फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड है। अपलोड और वायरल वीडियो सेम है, लेकिन उसमें कही गई बात अलग है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के वीडियो को एडिट कर किया वायरल। पड़ताल में सामने आया कि वायरल वीडियो 15 सितंबर 2023 को फतेहपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का है। तब सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा का कमल खिलाने की बात कही थी। आपको बता दें कि भाजपा से टिकट कटने के बाद भिंडा ने बगावत की है। ऐसे में उनके पुराने वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एडिट करके बीजेपी के उम्मीदवार श्रवण चौधरी को जिताने की बात वायरल की गई है। ये है हकीकत। मधुसूदन भिंडा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज और वीडियो जारी कर वायरल वीडियो का खंडन किया है। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ आज गलत तरीके से वायरल किए गए वीडियो का मैं खंडन करता हूँ। ये एक ओछी राजनीति है। राजनीति के इस छद युद्ध का फतेहपुर की जनता करारा जवाब देगी। इस मैसेज के नीचे फेक और रियल लिखकर दो फोटो भी अपलोड किए हुए हैं। वायरल वीडियो के जरिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। निष्कर्ष वीडियो का एडिट करके गलत मैसेज के साथ वायरल किया गया था। ऐसे में वायरल वीडियो में फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी श्रवण चौधरी और भाजपा का कमल खिलाने का दावा गलत है। भिंडा की मीडिया प्रभारी ने पुलिस में भी शिकायत की थी, जिसके बाद फेसबुक से मीडिया को हटा दिया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। आज समय आ गया है बंधु, हमें संकल्प लेना है कि इस कांग्रेस की सरकार के जो दिन बचे हैं और आने वाले समय के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव के अंदर भाई श्रवण जी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मैं फला फला आदमी को समर्थन दिया हूं, जो बिल्कुल निराधार है, असत्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।